हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड नंबर से कितने सिम चालू हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए इन तक, एंड जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के गूगल सर्च बार में सर्च करना है टैफकॉप TFCOP। यहाँ पर स्पेलिंग आप देख लीजिए, एक्यूरेट स्पेलिंग लिखिएगा, एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो आ रही है इस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो सिंपली इस पर क्लिक करके एंड ऐसा इंटरफेस आपको आएगा, एंड यहाँ पर बता रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP करके, एंड आपका जो OTP आएगा आप यहाँ पर OTP डालना है उसको, एंड यहाँ पर OTP मैं डाल रहा हूँ। OTP इंटर करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा कुछ, तो आपके आधार नंबर से जितने भी रिलेटेड नंबर होंगे, एंड ये जो नंबर मैंने इंटर किए थे मेरे आधार कार्ड से, ये चार नंबर यहाँ शो कर रहे हैं, तो मेरे चार नंबर जो है सारे एक ही मतलब आधार कार्ड से लिंक है, तो मेरे ये चार नंबर मेरे ही है। तो अगर आपका ऐसा कुछ आता है जो आपके पास वो नंबर नहीं है, कोई और यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर टिक लगे हुए सारे पे, तो आपके पास जो नंबर नहीं है, जो नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पर टिक करके यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका नंबर बंद हो जाएगा, क्लोज भी हो सकता है, नहीं तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी कर सकते हैं। जो ये मेरा नंबर नहीं है, किसी और के पास नंबर है, आप वहाँ से बंद करवा सकते हैं। आपको वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगी वहाँ कस्टमर केयर, तो आप वहाँ बता दीजिएगा, तो आपका ये नंबर बंद कर देगा जो आपके पास नहीं है और आप नहीं यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छी लगी वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना।